स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं लाइट। लाइट क्या होता है हम इस वीडियो में कम्प्लीटली जानेंगे कि लाइट क्या होता है, लाइट क्या रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, लाइट की क्या इम्पोर्टेंस है। ये सारी की सारी बातें इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगी। जो अब तक आप सोच रहे होंगे या फिर आपको ये वीडियो देख के लग रहा होगा कि लाइट क्या है, लाइट एक नॉर्मल सी चीज़ है, सामान्य चीज़ है लाइट, लाइट के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, मैं आपको जानकारी इसलिए बता दूँ कि लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और लाइट से रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट थियरम्स भी हैं जिसे आप हायर क्लास से पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत आपकी क्लास 7 से या क्लास 8 से हो जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लाइट प्रकाश है क्या? तो सबसे पहली बात लाइट के विषय में रिलेटेड टू लाइट इज दैट लाइट इज एन एनर्जी। क्या सुना आपने? बिल्कुल सही सुना आपने, लाइट इज एन एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है। लाइट एनर्जी कैसे हो सकती है? आपने ये सुना होगा कि एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। अगर नहीं सुने होंगे तो आप इस हायर क्लास में पढ़ेंगे। बट लाइट को एनर्जी कैसे दे सकते हैं? क्या लाइट से हमें एनर्जी मिलती है? आप बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा इससे हमें विटामिन डी मिलता है। तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, लाइट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये कहने के पीछे का जो है रीजन ये है कि वास्तव में वो एनर्जी है। वो कैसी एनर्जी है? तो वो एनर्जी आपके अंदर सेंसेशन ऑफ साइट को जनरेट करती है। अगर वो एनर्जी नहीं होती, अगर उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन आपके बॉडी में नहीं होता, आपके आंखों के थ्रू जब उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता, तो उस एनर्जी के थ्रू जो आपके अंदर सेंसेशन जनरेट होता है जिसकी वजह से आप हर एक वस्तु को देख पा रहे हो, वो आप नहीं कर पाते। तो इन दिस सेंस वी कैन से लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या लाइट ट्रेवल्स विथ इट्स एनर्जी। लाइट आती कहाँ से? तो ये सूर्य का जो है सबसे शक्तिशाली जो है सूर्य एक तारा है और वो लाइट को एमिट करता है। और वो जो लाइट एमिट करता है तो उस लाइट में यूवी रेज होते हैं। यूवी कहने का मतलब अल्ट्रा वायलेट। जब मैं यूवी कहूंगा, यूवी रेज इसका मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसको हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी किरणें। ये जो रेज होती हैं, अगर हमारे यहाँ ओजोन लेयर नहीं होता, अगर अर्थ पर ओजोन लेयर नहीं होता, तो ये रेज जो होती ये डायरेक्टली हमारे बॉडी पर जो है पड़ती, जिसकी वजह से हमें कैंसर जैसी, स्किन कैंसर जैसी बीमारी तक भी हो सकती है। तो ये बहुत ही हानिकारक रेज होती है जो सन के लाइट के साथ जो है जनरेट होता है, जो सन के लाइट के साथ जो है पृथ्वी पर पड़ता है। ओजोन लेयर के द्वारा उसे जो है उसे फिल्टर करके हमारे तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि पराबैंगनी किरणें ऊपर ही रह जाती हैं, अधिकतर भाग जो है ऊपर ही रह जाता है, कुछ पार्शियल ही जो है वो ट्रांसफर हो पाता होगा, बट इसकी वजह से वो पराबैंगनी किरणें ऊपर ही रह जाती है। चलिए हम आते हैं फिर वापस इस टॉपिक पर, लाइट क्या है। तो सबसे पहली चीज आपने जाना इस क्लास में कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज एन एनर्जी, लाइट जो है एक ऊर्जा है, और ये एनर्जी क्या करती है? एंड दिस एनर्जी जनरेट अ सेंसेशन ऑफ साइट। ये जो एनर्जी है ये दृष्टि, साइट मतलब दृष्टि होता है, सेंसेशन ऑफ साइट, सेंसेशन ऑफ साइट। light is a factor or cause, light jo hai ek factor hai, ek karak hai, due to which
which everything in this universe is visible. ओके तो प्रकाश जो है एक ऐसा कारक है, एक ऐसा फैक्टर है जो जिसकी वजह से इस पूरे संसार में हर एक वस्तु क्या है, दृश्यमान है, विजिबल है, जिसे हम देख पाते हैं। तो इस तरीके से लाइट से रिगार्डिंग लाइट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्टेटमेंट्स को हमने जाना और समझा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट की प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है जो आप शायद जानते भी होंगे कि लाइट एक सीधी रेखा में ट्रेवल करता है। हालांकि ये बात अलग है कि जब आप इसे हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसमें बहुत सारी बातों को आप अच्छे समझेंगे और बहुत सारे थ्योरम्स को अप्लाई करने के बाद इसके बहुत सारे नेचर्स को भी आप जानेंगे, ठीक है। लाइट वेव्स के रूप में भी चलती है, ठीक है। लाइट पार्टिकल के रूप में भी चलता है, लाइट पार्टिकल के रूप में चलता है। आपने सुना होगा लेजर लाइट से ऑपरेशन, तो लेजर लाइट सुनिए ध्यान से उस चीज को। लेजर लाइट, लाइट क्या कर रहा है, वो एक पार्टिकल के रूप में चल रहा है, तभी तो आप उससे ऑपरेशन हो रहे हैं। तो खैर अब इन सभी जो है बातों को आप निश्चित रूप से हायर क्लास नहीं समझ पाएंगे। तो फिलहाल हम यही टॉपिक पर आते हैं। हम क्या बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में आपने क्या जाना सबसे पहले थी, वन थिंग इज दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, लाइट जो है एक सीधी रेखा में गति करता है। और दूसरी बात यह है कि लाइट का सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें हमको रिफ्रैक्शन जो है बहुत बाद में पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन हम इस वीडियो में क्लियर करने हैं। और वही जो है हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का, तो ध्यान से देखिएगा लाइट की प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन और सेकंड प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। ओके हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्ट आपने रिफ्लेक्शन जो है रिफ्लेक्ट शब्द से बना हुआ है। रिफ्लेक्ट क्या होता है कि कोई मतलब ऑब्जेक्ट, जैसे आप दीवार पर गेंद मारो तो गेंद क्या होता है, टकराने के बाद दूसरी तरफ चला जाता है, ठीक है। बिल्कुल कुछ इसी प्रकार की फेनोमेना जो है हमारे लाइफ में भी होती है। जब आप किसी प्लेन सरफेस पर लाइट को पास कराते हो तो वो इससे रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होकर उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है, ठीक है। तो यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, इसी प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, तो हाँ ये लाइट है, यहाँ पर जब इस पर ये जो लाइट इस पर फॉल डाउन होती है, इसे टकराने के बाद क्या होती है कि वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसे हम कहेंगे प्लेन सरफेस कहेंगे, और इसे जो है कहेंगे हम इंसिडेंट रे, और इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, ठीक है। ये लाइन होनी चाहिए बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, अगर आपको कुछ थोड़ा सा ये ऑब्लिक लगा हो उसे आप मैनेज कर लीजिएगा, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इसे मैं बनाएंगे आपको, ये बिल्कुल इसी डायरेक्शन में कुछ इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो उसी मीडियम में वो वापस चली जाती है, जिस मीडियम से वो आती है उसी मीडियम में वापस चली जाती है। ये प्लेन सरफेस हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। अगर हम इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें जिसे आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं,
तो यहाँ दो एंगल्स बन जाएंगे, ठीक है, एक एंगल होगा आई और एक एंगल होगा आर। आई का मतलब ये इंसिडेंट से दिया गया है और आर का मतलब ये रिफ्लेक्शन से दिया गया है। तो आई हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, और आर जो होता है वो हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो एंगल्स होते हैं ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो हम ये क्वेश्चन इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं कि व्हेन वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज 45 डिग्री, देन फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप वो कहेंगे कि बाय द थ्योरम, बाय द स्टेटमेंट ऑफ, या बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वी कैन से इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग रे, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग रे इज आल्सो 45 डिग्री। तो इस तरीके से ये एंगल्स बन जाते हैं और ये जो रिफ्लेक्शन के फेनोमेना है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप आप सभी लोगों को काफी अच्छे समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।